हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। किस तरह से वो प्रॉब्लम सोल्व होंगे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने और भी कई टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, उनके भी हमारे चैनल पर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्या है हमारा, एस आई एंड सी आई ऑन सर्टेन सम इन टू ईयर्स आर 800 एंड 820 रुपीज़। यानी कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 820 रुपये। और हमें निकालना क्या है, देख बोला गया है फाइंड रेट एंड सम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो देखिए बोला किस तरह से गया है हमसे, प्रिंसिपल है ये हमारा, मान लीजिए पीप हमारा प्रिंसिपल है। इस पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता है 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 800 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 820 रुपये। अब देखिए 2 साल की बात की गई है हमसे, तो 2 साल में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो किस तरह से होगा। देखिए पहली साल में मैंने आपको बताया था, जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि फर्स्ट ईयर में SI और CI दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखिए 2 साल के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहली साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए 800 मिला है टोटल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो जितना इंटरेस्ट आपको पहली साल में मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट आपको 5 साल तक मिलता रहेगा, 5वीं साल में भी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर 800 रुपये टोटल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला आपको साधारण ब्याज 400 रुपये, सेकेंड ईयर में भी आपको कितना मिलेगा 400 रुपये, क्योंकि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये चेंज नहीं हो रहा। और सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें प्रिंसिपल मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। अब देखिए बात करते हैं CI की यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का क्या होता है, फर्स्ट ईयर में SI और CI दोनों बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट ईयर के SI CI बराबर होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर का SI कितना है 400 रुपये, तो यानी कि CI भी फर्स्ट ईयर में कितना होगा 400 रुपये। अब देखिए टोटल SI है 820 रुपये, फर्स्ट ईयर में कितना मिल गया हमें 400 रुपये, तो सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा 420 रुपये, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर बढ़ा कितना है 20 रुपये, 20 रुपये बढ़ा है हमारा, तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और ये हमारा जो है ये एक तरह से हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से हम ये निकाल रहे हैं कि जो हमारा CI निकल रहा है वो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए CI हमारा 400 से 420 हो गया, तो यानी कितना बढ़ा 20 रुपये बढ़ा, कितने के इन्वेस्टमेंट पे बढ़ा 400 के पे, इंटू 100 करेंगे क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए इस तरह से होगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा ये 2 टाइम्स जाएगा, ये यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा, तो यानी कितना आ गया, ये हमारा निकल के आ गया है 5%। तो हमसे रेट पूछा गया था, रेट हमारा इस तरह से निकलेगा, ये हमारा निकल के आ गया 5%। तो देखिए रेट हमारा पता चल गया कितना निकल के आया, 5% हमारा रेट आ गया। अब हम बात करते हैं SI की। देखिए जब हमें निकालना हो रेट तो हम CI के जो वैल्यूज़ हैं उन पर डिपेंड करेंगे, अब हमें निकालना है सम मतलब कि प्रिंसिपल, तो हम SI की वैल्यूज़ को देखेंगे। तो देखिए 5% दे रखा है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में ये बन जाएगा हमारा 10%। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, अगर एक पर मतलब एक साल में ये हमें एनुअली दे रखी है 5% पर एनम, यानी कि एक साल में 5%, तो 2 साल में कितना लगेगा 10%, तो यानी कि और हमें साधारण ब्याज दे रखा है 800 रुपये, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 800 रुपये दे रखी है, 10% की वैल्यू 800 रुपये है, तो क्या आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 10% की दे रखी है, इंटू इसमें 10 कीजिए 100% हो गया, इसी तरह इसमें भी इंटू 10 कर दीजिए, तो 800 का कितना बन गया 8000 रुपये, यानी कि 100% आपका निकल गया 8000 रुपये। और 100% क्या होता है, 100% होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बोला जाता है 100%, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका 8000 रुपये, और रेट जो हमसे पूछा गया था वो कितना निकल के आया है 5% निकल के आया है।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, SI कितना दे रखा है हमें, 600 रुपये, CI दे रखा है 630 रुपये, 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए किस तरह से होगा, प्रिंसिपल है ये हमारा P, 100% होता है ये हमारा, 2 साल के लिए 2 ईयर्स, और SI कितना निकल के आता है, SI हमें दे रखा है 600 रुपये, CI दे रखा है 630 रुपये। अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकंड ईयर की, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल में बराबर मिलेगा, तो यानी कि 300 मिलेगा अगर पहले साल में, तो दूसरे साल में भी 300 मिलेगा। फर्स्ट ईयर में SI और CI बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर SI 300 है तो CI भी 300 होगा। टोटल SI 630 है, फर्स्ट ईयर में मिल गया 300, तो सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, 330 रुपये। रेट निकालना है हमें, रेट किस तरह से निकालेंगे, ये देखिए इन दोनों के बीच में 300 रुपये थे, दूसरे साल में 330 हो गए, तो यानी कितने बढ़े, 30 रुपये बढ़े, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 300 के, क्योंकि देखिए 300 थे, 300 के इन्वेस्टमेंट पे, इंटू 100 इसलिए करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये देखिए 30 10 जाएगा और 10 से 100 जो है वो 10 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि रेट कितना निकल के आ गया, रेट हमारा निकल के आया है 10%। एक आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, रेट पूछा गया था, अब दूसरा क्या पूछा गया है हमसे, सम यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल निकालने के लिए देखिए ये हमारा 10% आ गया रेट, 2 साल की बात की गई है क्वेश्चन में, तो 2 साल में कितना रेट हो जाएगा हमारा, 2 साल का बन जाता है 20%। 1 साल में अगर 10% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 20%, और ब्याज कितना दे रखा है आपको, 600 रुपये दे रखा है, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 रुपये। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है, यानी कि 100%, पी जो होता है प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा 100% होता है। तो देखिए 100% की अगर बात की जाए, तो अगर 20 में इंटू 5 कर दें तो ये 100% निकल रहा है, इसी तरह से इधर भी इंटू 5 कर दीजिए, तो 600 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3000 रुपये। 20% में 600 रुपये हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। यानी कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तब सबसे पहले हमसे, तो वो कितना निकल के आया, 10%। दूसरा हमसे पूछा है सम यानी कि प्रिंसिपल, वो कितना निकल के आ गया, 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल है हमारा, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये जो 3 ईयर्स दे रखा है यहाँ पर, 3 ईयर्स की जगह यहाँ पर भी 2 ईयर्स की बात की गई है, 2 ईयर्स के लिए देखते हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वो, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल है कोई, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, SI कितना है, 400 रुपये, और CI कितना मिलता है, 420 रुपये। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अगर बात की जाए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलता है, तो देखिए फर्स्ट ईयर में 200 मिलेगा तो सेकंड ईयर में भी 200 मिलेगा। अब बात की जाए CI की, तो फर्स्ट ईयर में SI CI दोनों बराबर होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट ईयर में 200 रुपये ही मिलेगा। सेकंड ईयर की बात की जाए तो कैसे निकलेगा, टोटल 420 मिला है, 200 मिल चुका है, तो कितना मिलना बाकी है, 220 रुपये। इसके बाद आपको रेट निकालना है, तो इन दोनों को देखेंगे वैल्यूज को CI की। रेट निकालने के लिए देखिए 200 रुपये से 220 बन गए, तो यानी कितने बढ़े, 20 रुपये, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 200 के इन्वेस्टमेंट पे, 200 रुपये पर 20 बढ़े, जितने बढ़ेंगे वो ऊपर आएंगे, जितने पर बढ़ेंगे वो नीचे आएंगे, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये देखिए 10 टाइम्स जाएगा, 10 से 100 10 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो कितना निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आता है पर एनम, यानी कि 1 साल का। 2 साल की बात की गई है क्वेश्चन में, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 20% हो गया, 2 साल का 20% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 400 रुपये दे रखी है टोटल, तो यानी कि 2 साल में 400 रुपये, 20% की वैल्यू 400 रुपये। हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल होता है हमारा 100%। 20 इंटू 5 कर दें तो 100 आ जाता है, इसी तरह इधर भी इंटू 5 कर दीजिए, तो 400 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2000 रुपये। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था वो कितना निकल के आया है, 10% निकल के आया है, और जो हमसे प्रिंसिपल पूछा था वो कितना निकल के आया है, 2000 रुपये निकल के आया है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।